हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हैं और आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं स्पीड टेस्ट का एप्लीकेशन ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर दोस्तों मैं गो के बटन पर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पिंग आ रहा है 24 ms का पिंग आ रहा है। एंड दोस्तों मेरी डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हैं यहाँ पर 20, 22, 28, यहाँ पर देख सकते हैं आप 29 mbps तक दोस्तों डाउनलोड स्पीड आ रही है। तो आप भी दोस्तों अपने एयरटेल के सिम कार्ड में कुछ इसी तरीके का इंटरनेट स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक APN को सेट करना होगा। दोस्तों APN सेट करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका सिम कार्ड जो भी स्लॉट में होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट APN सेट होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक करके APN को रिसेट कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर प्लस वाला जो आइकन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपके फ़ोन में इंटरनेट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है एयरटेल बीटा सर्वर। आपको यहाँ पर ध्यान देना है एयरटेल का ए कैपिटल, बीटा का बी कैपिटल एंड सर्वर का एस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देन यहाँ पर आ जाना है APN में। APN में आपको टाइप करना है beta.speedfast/09। दोस्तों आपको ध्यान देना है बीटा का बी कैपिटल एंड यहाँ पर आपको डॉट लगा के speedfast/09 लिखना है। देन आपको प्रॉक्सी को नॉट सेट छोड़ देना है। पोर्ट में आपको टाइप करना है 8080। देन यहाँ पर दोस्तों यूजर नेम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है @airtel/india। दोस्तों आपको ध्यान से ये लिखना है। पासवर्ड को आपको नोट सेट छोड़ देना है। सर्वर में आपको टाइप करना है www.airtel.in। दोस्तों आपको ध्यान देना है airtel.in यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। देन यहाँ पर नीचे आएंगे, MMSC को नोट सेट छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेट, MMS पोर्ट को भी नोट सेट। MCC एंड MNC आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेट होगा तो वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है PAP और CHAP। देन नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक APN टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिफॉल्ट लिखना है। देन कॉमा लगा के आपको SUPL एंड कॉमा लगा के XCAP एंड यहाँ पर नेट लिख लेना है। दोस्तों उसके बाद से APN प्रोटोकॉल में आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों आ जाते हैं बीरर में, तो बीरर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका अनस्पेसिफाइड है तो उसे अनटिक करके आपके फ़ोन में जितने भी बीरर दिए होंगे सभी बीरर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों बाय चांस आपके फ़ोन में सभी बीरर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको सिर्फ LTE को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ से आपको MVNO टाइप को नॉन पर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से इस APN को आपको सेव कर लेना है। APN सेव करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में ये वाला APN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों APN एक्टिवेट होने के बाद एक बार आपके फ़ोन को एरोप्लेन मोड में ऑन ऑफ जरूर कर लीजिएगा, या फिर दोस्तों आपके फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों रिस्टार्ट करने के बाद आपके फ़ोन में अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।